नी मेनिस्कस इंजरीज में ग्रेडिंग का क्या मतलब है? ग्रेड वन टीयर, ग्रेड टू टीयर, ग्रेड थ्री टीयर, आखिर क्या होते हैं नी मेनिस्कस के अंदर, और इसमें सर्जरी करवानी चाहिए या बिना सर्जरी के सिर्फ एक्सरसाइजेस से हम ठीक हो सकते हैं? तो दोस्तों पहले समझते हैं कि आखिर मेनिस्कस होता क्या है। हमारे जो घुटना होता है दोस्तों, उसमें ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में मेनिस्कस होते हैं, लेटरल और मीडियल मेनिस्कस, दो सी शेप के स्ट्रक्चर रहते हैं जो इसमें शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जब इसमें इंजरी हो जाती है तो पेन हो सकता है, लॉकिंग हो सकती है, कट कट की आवाज़ आ सकती है मेनिस्कस की इंजरी के कारण। हो सकता है कि आपका पैर सीधा नहीं हो रहा, ऐसे अटका हुआ रह गया। MRI कराते हो तो उसमें मेनिस्कस की इंजरी लिखी भी आती है, लिखा होता है ग्रेड वन टीयर, ग्रेड टू टीयर, ग्रेड थ्री टीयर। तो आखिर ये ग्रेडिंग क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ग्रेडिंग का आपकी सर्जरी या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर? तो दोस्तों जब मेनिस्कस में इंजरी होती है तो ग्रेड वन, टू और थ्री, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मेनिस्कस के MRI के सेक्शन है, मेनिस्कस के MRI के सेक्शन है। ये मेनिस्कस इस तरह से दिखता है। तो जब MRI ली जाती है, इसके इस तरह से सेक्शन आते हैं तो ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर एक जगह का दिखता है, जिसको मेनिस्कस MRI में ट्राइंगल स्ट्रक्चर से दिखता है, क्योंकि सेक्शन इस तरह से कटे हुए होते हैं MRI के। सो ग्रेड वन का मतलब ये है दोस्तों कि आपके मेनिस्कस के अंदर टीयर हो गया है, पर जो सुपीरियर सरफेस है और जो इन्फीरियर सरफेस है, ये मेनिस्कस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैमरे में, ये मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस का सुपीरियर सरफेस है, ये मेनिस्कस का इन्फीरियर सरफेस है। सो सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस, ये दो सरफेस है मेनिस्कस के। ग्रेड वन टीयर में अंदर टीयर है, मेनिस्कस के अंदर टीयर है पर वो सरफेस पे नहीं आया है। ग्रेड वन में अंदर टीयर है पर वो सरफेस पे नहीं आया है। ग्रेड टू के अंदर टीयर थोड़ा बड़ा हो जाता है, लीनियर हो जाता है, इसमें सिर्फ ग्रेड वन में इंटेंसिटी दिखाई देती है, ग्रेड टू में लीनियर टीयर दिखाई देता है, पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टीयर अभी भी सरफेस पे नहीं आया। तो ग्रेड टू टीयर में भी जब हम आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, जब हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं दोस्तों, सो दूरबीन जब हम नी के अंदर प्लेस करते हैं तो हमें सुपीरियर सरफेस देख सकते हैं और हम इन्फीरियर सरफेस देख सकते हैं। ग्रेड टू और ग्रेड वन टीयर में हमें आर्थ्रोस्कोपी में कोई भी टीयर नज़र नहीं आता। क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि टीयर तो सब्सटेंस के अंदर है। आर्थ्रोस्कोप या तो कैमरे से हम यहाँ देखेंगे या यहाँ देखेंगे, पर अंदर तो हम नहीं देख सकते, वो तो हमारे ही पकड़ना है। तो ग्रेड वन या ग्रेड टू के अंदर आपका जो टीयर है वो सरफेस पे नहीं आता, ना तो सुपीरियर सरफेस पे आता है, ना ही इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस पे आता है। ये जो टीयर है दोस्तों, इसको हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। इसमें ग्रेड टू के अंदर ये दो नीचे वाले टीयर, जैसे कि डायग्राम में शो कर रहे हैं, ये पेरिफ्री से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम PRP इंजेक्शन पेरिफ्री में दें तो ये यहाँ पे हीलिंग इनिशिएट करता है और धीरे धीरे ये टीयर कम हो जाते हैं। सो ग्रेड वन और टू टीयर्स हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP और सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस की मदद से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पर अगर MRI में ग्रेड थ्री टीयर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो टीयर है दोस्तों, वो या तो आपके इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस तक चला गया है या वो टीयर आपके सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस तक आया गया है। इसमें मेनिस्कस, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ऊपर रहती है, फीमर नीचे रहती है टीबिया, तो अगर टीयर यहाँ पर सरफेस तक आ जाए तो वो हमारे कार्टिलेज को डैमेज करता है। इस कंडीशन में इसकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब मेनिस्कस की कौन सी सर्जरी करवानी है वो डिपेंड करता है कि आखिर किस जोन में इसका टीयर है। सो मेनिस्कस को हमने कुछ जोन्स में डिवाइड कर रखा है दोस्तों। जब ग्रेड थ्री टीयर होता है तो हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी कौन सी करनी है वो डिपेंड करता है कि ग्रेड थ्री टीयर किस जोन में। अगर रेड जोन में टीयर है दोस्तों तो ये रिपेयर कर सकते हैं, रेड वाइट जोन में टीयर है तो भी रिपेयर कर सकते हैं, पर अगर वाइट जोन में टीयर है दोस्तों तो इसमें रिपेयर नहीं होता, ट्रिम होता। तो आपका जो ग्रेड थ्री टीयर वो कौन से जोन में, उस पर डिपेंड करता है कि हमें इसे रिपेयर करना चाहिए या इसको ट्रिम करना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में पूरा मेनिस्कस नहीं निकाला था, जो रेड जोन और रेड वाइट जोन के जितने भी टीयर हैं दोस्तों वो रिपेयर हो जाते हैं। ये एक मेनिस्कस रिपेयर सिंच है, इस ऑटोमेटिक सिंच से रिपेयर कर सकते हैं आप। मेनिस्कस रिपेयर मेनिस्कस टेप से कर सकते हैं, सूचर टेप से कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस तरीके से मेनिस्कस रिपेयर हो जाते हैं, पूरी तरह से हो जाते हैं रिपेयर। सो किस ग्रेड का टीयर है वो डिपेंड करता है MRI की फाइंडिंग में, और उससे मालूम पड़ता है ग्रेड वन और ग्रेड टू में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ग्रेड थ्री टीयर है तो सर्जरी की ज़रूरत है,
अगर ग्रेड थ्री टीयर आपका रेड जोन में या रेड वाइट जोन में तो इसमें मेनिस्कस रिपेयर कर सकते हैं, अगर वो वाइट जोन में तो उसको ट्रिम करना पड़ता है। मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप नीचे लिंक पे जाइए उसको क्लिक कीजिए और आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे एडवांस मेनिस्कस सर्जरी कौन सी होती है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे व्हाट्सएप पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी हमारी पढ़ के उसका फ्री में ओपिनियन दूँगा।